Welcome to my channel Mathematical Station. This is chapter number 14, Practical Geometry of Class 6. Exercise 14.4, question number 3. Draw a line L and point X on it. Through X, draw a line segment XY perpendicular to L. Now draw perpendicular to XY at Y. Use ruler and compass. यहाँ पे एक हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम L. उस L लाइन के ऊपर पॉइंट लेना है X पॉइंट. थ्रू X, X के ऊपर से एक हम लाइन ड्रॉ, लाइन सेगमेंट बनाएंगे XY परपेंडिकुलर टू L. ये XY लाइन सेगमेंट हमारा L के ऊपर परपेंडिकुलर होगा. देन नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर टू XY एट Y. उसके बाद हम XY के ऊपर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एंड वो परपेंडिकुलर हम y पॉइंट से ड्रॉ करेंगे. यूज रूलर एंड कंपास. ये डायग्राम हमें रूलर और कंपास के हेल्प से ड्रॉ करना है. सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका. सबसे पहले एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम होगा L. ड्रॉ अ लाइन L. ये एक हमें लाइन ड्रॉ करिए. इस लाइन को नाम देंगे L एंड इस लाइन के ऊपर हम पॉइंट लेंगे x पॉइंट. तो यहाँ पे हम x पॉइंट ले लेंगे. स्टेटमेंट लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन L and point X on it. एक हमने L line draw करी है, उसके ऊपर हमने point X draw करा है. Then उसके बाद इस अपना compass लेंगे. compass में अपने according थोड़ा सा भी distance open कर लेंगे. जो भी हमें ठीक लगेगा हम अपना gap में open कर लेंगे. देन ये जो हमारा x पॉइंट है, इस x को सेंटर मानकर एक हम सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे. सो ये हम कंपास की हेल्प से सर्कल ड्रॉ, सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे. x पे अपना कंपास का पॉइंट रखेंगे एंड अपने पेंसिल को l लाइन पे पूरा इधर से इधर का रोटेट कर देंगे. देन ये जो यहाँ पे और यहाँ पे जो इस पॉइंट पे टच हुई है, इसको नाम देंगे हम a एंड b. सो ये हो जाएगा विद s विद x as center and any radius draw semicircle. इस x को हमने center मानकर और radius हम अपने according कितनी भी लेंगे, एक semicircle हमने draw करा है. यहाँ पे point कौन सा है हमारे, a and b. अब जो हमने अपने कंपास में रेडियस ओपन की थी ये सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए, उस रेडियस को हम थोड़ा सा और बढ़ा देंगे. यानी कि कंपास और पेन के बीच का जो गैप है उसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, इसको और ओपन कर लेंगे हम. देन उसके बाद अपने कंपास के पॉइंट को एक बार हम ए पे रखेंगे एंड इस तरह से ऊपर एक छोटा सा आर्क ड्रॉ कर देंगे. ऐसे ही फिर बी पे रखेंगे एंड एक आर्क इधर ड्रॉ कर देंगे. इस पॉइंट को नाम देंगे हम यहाँ पर C. So, ये हो जाएगा विद A एंड B एज सेंटर एंड रेडियस लिटिल मोर रेडियस जितनी थी उससे थोड़ी सी और ज्यादा लेंगे. Draw two arc. यहाँ पे हमने दो आर्क ड्रॉ करे हैं एंड ये जो हमारा C पॉइंट है, C से लेके X तक हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे. अब ये हो जाएगा, इस लाइन को ऊपर तक भी बढ़ा देंगे. ये नहीं कि हम ये C पॉइंट पे रोकेंगे, इसको हम ऊपर यहाँ तक और बड़ा कर देंगे. देन यहाँ पे लेंगे हम Y. ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई. सो ये हो जाएगा जॉइन सी टू एक्स. सी से लेके एक्स तक की लाइन को हम जॉइन करेंगे. देन ये हो जाएगा एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू एल. ये जो हमारी एक्स से लेके वाई तक की लाइन बनी है, ये हमारी एल पर परपेंडिकुलर है. अब हमें एक और लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है एक्स वाई लाइन के ऊपर. इस वाई पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे. सो जो रूल हमने यही लगाए थे वैसे ही करेंगे हम दोबारा. बाई को सेंटर मानकर आप अपने कंपास में कोई भी रेडियस ओपन कर लेंगे. थोड़ी सी बाई पॉइंट हम थोड़ा यहाँ लेंगे नीचे
यहाँ पे होगा हमारा वाई पॉइंट। इस वाई पॉइंट से हम अपने कंपास के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, कंपास में हम थोड़ा सा गैप ओपन कर लेंगे, देन एक हमने ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे हम पॉइंट लेंगे ए बी डी एंड ई, ये हो जाएगा विद वाई एस सेंटर एंड एनी रेडियस ड्रॉ सेमी सर्कल। एक हमने सेमी सर्कल ड्रॉ करा है, ये डी और ई पॉइंट है। अब हमने रेडियस को कंपास में जो हमारा गैप था उसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे, यानी कि कंपास को थोड़ा सा और ओपन कर लेंगे। एक बार डी पॉइंट पे रख के हम यहाँ आर्क लगा देंगे एंड या ई पॉइंट पे रख के भी ऐसे ही हम सेम आर्क लगा देंगे। ये जो हमारा यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इस पॉइंट को हम नाम देंगे एफ। देन वाई से लेके एफ तक एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को यहाँ पे नाम देंगे हम जी। इस लाइन को हम इधर भी ऐसे ही बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे अपने स्केल को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे दोनों पॉइंट पे एंड ये लाइन हमारी ऐसे ही इधर पहुंच जाएगी। यहाँ पे होगा हमारा एच। सो ये जो जी से लेके एच तक की लाइन बनी है, ये हमारे वाई पॉइंट पर परपेंडिकुलर है। ये हो जाएगा विद डी एंड ई एस सेंटर ड्रो टू आर। डी और ई को सेंटर मानकर हमने दो आर्क ड्रॉ करे हैं, यहां पर इसको हमने नाम दिया है एफ। तो एफ से लेके वाई तक एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे। ये जो हमारी लाइन बनकर आई है यहाँ पर जी एच, ये जी एच लाइन जो है ये एक्स वाई पर परपेंडिकुलर है एंड ये जो एक्स वाई लाइन है ये एल लाइन पर परपेंडिकुलर है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 14.4। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए एंड फॉर फुल सिलेबस सब्सक्राइब माय चैनल।